अल्लाह के वली हजरत सैलानी बाबा का वजू का जीरा। इस वजू के जीरे को बोला जाता है कुआं। इस कुएं के पानी की इतनी करामतें बताई जाती है जिसको जानकर के आज आप भी हैरान हो जाओगे। यहाँ की क्या करामतें है यहाँ के बारे में अभी आपको पूरा बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों आपको जो हजरत सैलानी बाबा का जो कुआ है वहाँ पे अभी हम आपको लेकर के जाने वाले। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड कराया था जिसमें आपको हजरत सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराई थी। अब यहाँ पे दूसरा जो ये वीडियो है पार्ट टू, इसमें अब आपको जो सैलानी बाबा का जो कुआ है वहाँ पे अभी हम आपको लेकर के जाने वाले जिसको हजरत सैलानी बाबा का जीरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहां देखिए किस तरीके से यहां पर पूरा पहाड़ का नज़ारा है। दोस्तों आसपास में पूरा पहाड़ी जंगल है और जंगल के बीच में ही मौजूद है अल्लाह के वली हजरत सैलानी बाबा का जीरा, जिसको हजरत सैलानी बाबा का वजू का जीरा भी बोला जाता है, वजू का कुआ भी बोला जाता है। और उस पानी की काफ़ी ज़्यादा करामतें बताई जाती है। बताया जाता है कि उस पानी से नहाने से अगर किसी के शरीर के अंदर शैतानी ताकत अल्लाह वाला भूत प्रेत अगर मौजूद है तो उस पानी से नहाने भर से ही उसको वहाँ पे हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। और आपको कुएं के आसपास कई सारे कपड़े वगैरह घिरे हुए छोड़े हुए नज़र आएंगे। बताया जाता है नहाने के बाद में कई लोग जो कपड़े पहन करके आते हैं वो कपड़े वहीं पे वो छोड़ देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे पानी भी मिलेगा आपको इन टंकियों के अंदर। यहाँ पे पानी क्योंकि सर्दी के टाइम में यहाँ पे आपको गर्म पानी दिया जाता है और ये सारा पानी जीरे का दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जीरे का पानी काफ़ी करामाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते जीरे के पानी से नहाते। जीरा मतलब दोस्तों यहाँ पर कुआ है, यहाँ पर महाराष्ट्र में उस कुएँ को जीरा बोला जाता है। तो अभी आपको मैं जो हजरत सैलानी बाबा का जो जीरा है वहाँ पर अभी आपको बिल्कुल लेकर के जाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये पूरा आसपास का नज़ारा है, यहाँ पर आपको इसी प्रकार से दुकानें वगैरह यहाँ पर नज़र आएगी। और दोस्तों यहाँ पर हर जगह आपको नींबू वगैरह नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब जीरे के पास में कोई नहाता है उसको हाजिरी आती है तो कई लोग तो जो नींबू वगैरह होते हैं वो उसके शरीर के ऊपर से उतार करके नींबू काटे जाते हैं। और कई लोग तो काले कलर की जो गुड़िया होती है पुतले होते हैं उसको शरीर के ऊपर से उतारा करके पेड़ के ऊपर उसको मतलब कई लोग तो कील से ठोकते हैं, कई लोग तो ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? अभी हम जो जीरे के आसपास हमारे कोई मौजूद मिलेगा तो हम यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और जो जीरा है जैसे ये कुआ उसकी पूरी करामत के बारे में यहाँ पे जो कुएं की क्या हिस्ट्री है वो पूरी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं, सामने अभी आपको जीरा नज़र आएगा। वहाँ पे कई लोग उस कुएं के पानी से नहाते हुए भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आसपास हर दुकानों में आपको काले कलर के गुड़िया पुतले नींबू वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें नारियल वगैरह भी यहाँ पे। दोस्तों ये नारियल देख करके आप भी हैरान हो जाओगे ये क्या काम में आते हैं, ये भी पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ताकि और लोगों तक यहाँ के बारे में भी जानकारी पहुँच पाए। जैसे कि दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के अंदर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो हजरत सैलानी बाबा की दरगाह से तो आपको महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के अंदर आना। बुलढाणा जिले के अंदर ही मौजूद है हजरत सैलानी बाबा का रहस्यमय गाँव जिसको सैलानी गाँव के नाम से जाना जाता है। और सैलानी गाँव के अंदर मौजूद है हजरत सैलानी बाबा की दरगाह से और सैलानी बाबा की दरगाह सिर्फ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद है यहाँ पर हजरत सैलानी बाबा का वजू का जीरा, यहाँ पर हजरत सैलानी बाबा का कुआ। जैसे दोस्तों कई लोग तो जो कुएं का पानी है जो जीरे का पानी है उसको पीपीओ के अंदर भर करके जो ऐसे कैन है कैन के अंदर भर कर अपने घर भी लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों इस पानी को घर ले जाने से क्या फ़ायदा होता है वो भी पूरी जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और यहाँ पे आपको आसपास कई सारे नींबू वगैरह यहाँ पे कटे हुए फेंके हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको कुएं के आसपास कई सारे कपड़े वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हमने इस कपड़े के बारे में जो यहाँ पे लोग मौजूद है जो यहाँ पे इन कपड़ों को छोड़ रहे थे तो हमने उन्होंने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर हम इस कुएं के पानी से नहाते हो जो हमने कपड़े पहन रखे अगर हम यहाँ पर जो कपड़े पहने हुए वो अगर हम यहाँ पर छोड़ते तो हमारे शरीर के अंदर जो भी शैतानी ताकत है उसका असर यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाता है, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। तो दोस्तों ये क्या चीज़ें हैं पूरी जानकारी अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ये पूरा आप नज़ारा देखिए ये हजरत सैलानी बाबा का वजू का जीरा है। और यहाँ पे इस वजू के जीरे की क्या करामत है, इस वजू के जीरे की क्या हिस्ट्री है, इसको वजू का जीरा क्यों बोला जाता है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फूल और चादर की कई सारी दुकानें भी नज़र आएगी। आसपास में आपको यहाँ पे जो पानी है इससे नहाने की व्यवस्थाएं भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी यहाँ पे नहाने के लिए लोगों ने यहाँ पे बना रखे। दोस्तों जैसे कि आप देखें यहाँ पे हर जगह आपको कपड़े वगैरह ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ के बारे में जो भी मालूम है वो पता करते हैं और आपको लाइव कैमरे में बताते हैं।
आप अपना नाम बताइए। शब्बीर खान शगीर खा हैदर का पठान। तो शब्बीर भाई, आप मुझे बताइए कि जैसा पीछे सैलानी सरकार का जीरा है और लोग पानी निकाल रहे हैं और बहुत से लोग नहा रहे हैं, आप ये जीरा के बारे में बताइए। ये जीरे की खासियत ये है कि ये बाबा सैलानी का वजू का जीरा है। बाबा सैलानी को वजू के लिए पानी लग रहा था, तो बाबा सैलानी ने, यहाँ पर पूरी जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका था ये, इधर कोई नहीं आता जाता था, तो बाबा सैलानी इधर राउंड लगाते थे, तो उन्हें वजू का पानी के लिए दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने एक पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे से पानी निकल आया, तो जब करने से फिर ये वजू का जीरा, बाबा का वजू का जीरा कहते हैं इसे। यहाँ पर सभी आने वाले फैस होता है, यहाँ पर जिसके आंग में करनी है, कौटाले भला है, तो ये जीरे का पानी डालते से ही उसके आंग में आना चालू हो जाता है और इस पानी से फैज होता है। ये सैलानी बाबा का जीरा, इसे वजू का जीरा कहते हैं। इसमें पानी कभी सूखता नहीं है? इसमें पानी कभी सूखता नहीं है। अच्छा। हाँ। और हमने देखा बहुत से लोग पानी के डब्बे में भर भर के भी पानी गैलन में लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये पानी पीने के लिए काम आता है, समझो कोई बीमार है तो उसे पानी अगर या थोड़ा पिला दो तो उसमें शिफा हो जाती है। और अगर जो पहली बार यहाँ पर आना चाहता है, हाँ, महाराष्ट्र के बाहर से, मुंबई अच्छा, से या कहीं से, तो अगर पे कैसे आ सकता है? अगर हैदराबाद से आने वाले अगर रहे तो जालना से चिकली आ जाओ, चिकली से सैलानी बाबा में आ जाएंगे। अगर मुंबई और दूर से नागपुर की ओर से अगर कोई आना चाहता है तो मलकापुर उतर जाए, मलकापुर से बुल्ढाना आके यहाँ पर आ जाए। अच्छा, ये इनसे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लगता है? इसका चार्ज वगैरह बोले तो यहाँ पर सब कमाने वाले हैं, ये रोजी रोटी करते हैं इनकी, पानी भरते हैं और पानी नहाने के लिए अपने लिए उपलब्ध करते हैं। नहीं, मतलब जैसा पानी का कोई चार्ज कोई खादिम ऐसा मांगता तो नहीं? नहीं, खादिम कोई नहीं मांगेगा यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ लींबू का पैसा लगता है और सिर्फ नहाने धोने का उनका। लींबू का क्या होता है? लींबू का उनका काटना पड़ता है, जिसके अंग में कुछ बला वगैरह कुछ रही और तो हमने देखा जगह जगह पे यहाँ पर काली काली गुड़िया है, वो गुड़िया का क्या? ये उतारा करना पड़ता है और वो झाड़ में ठोक देना पड़ता है। क्यों, मतलब झाड़ में क्यों ठोके जाते हैं? झाड़ में यूँ ठोके जाते हैं कि भाई जो उतारा करते हैं आप, तो उस उतारे का जिसके अंग में करनी कौटाल रही तो वो उसका उतारा कर कर वो झाड़ में ठोक दिए तो वो भला कम हो जाती है। और दूसरा, यहाँ पे जगह जगह कपड़े पड़े हुए, चिंदी पड़े हुए, ये क्यों है? ये होली में जला देते हैं लोग। लेकिन ये कपड़े है क्यों, क्यों कैसे, क्यों कैसे बोले तो आप जो समझो जिसके भी बीमारी है, जिसी को समझो किसी को करनी है, किसी को कौटाल है, तो वो यहाँ पर आते हैं, अपने अपने मन की जो श्रद्धा है तो वो कपड़े काट कर होली में जला देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें फैज हो चुका है, तो फैज होता है, इसीलिए सब यहाँ पर कपड़े फेंकते हैं। मतलब वो नहाने के बाद कपड़े छोड़ के जाने से उनको शिफा मिलती। मतलब ये पानी की यही करामत है, किसी के शरीर के अंदर कोई भी अगर रूहानी ताकत है तो ये पानी उसके ऊपर आने से उसको यहाँ पे हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उस वो हैवी हो जाता है उनके अंग पे कर, जो रहता है ना करनी कौटाल जिसे हुई है, वो हैवी हो जाता है उस पे का। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाते, मतलब ये पानी लेकर के जाते तो ये सारी चीजें घर बैठे भी दूर हो सकती है इस पानी से? घर बैठे भी दूर हो सकती है, लेकिन बाबा के पास में आने के बाद में ज़ियारत होंगी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से आया जा सकता है, मतलब इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे देखो समझो जालना, जालने से चिकली, चिकली से फिर सैलानी बाबा में आ सकते, इधर से बुल्ढाना से आ सकते, फिर औरंगाबाद से आ सकते, औरंगाबाद से धार को आ जाओ, धार से सैलानी आ जाओ, और बुल्ढा मलकापुर बोधड़, मलकापुर बोधड़ से बुल्ढाना, बुल्ढाने से सैलानी आ जाओ। आपका नाम? शब्बीर खान शगीर खा पठान।